तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और इस बार ना मैं बहुत ज्यादा ही जल्दी वापस आ गए एक और नए गेम के ऊपर वीडियो देके। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि ये मनुष्य इतना ज्यादा एक्टिव कैसे हो गया अपने चैनल पे, तो भाई मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि जहाँ एक साइड में एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल, बैटलफील्ड मोबाइल, पबजी न्यू स्टेट और ऐसे काफी सारे न्यू गेम्स के अनाउंसमेंट आ रहे हैं, तो वहाँ यूबीसॉफ्ट भी काफी जोश में आ गया है और इन्होंने अनाउंस कर दिया है टॉम क्लैंसीज डिवीजन का मोबाइल वर्जन। तो गाइस अगर तुम लोग पीसी गेम्स खेलते होगे तुम्हें पता होगा टॉम क्लैंसीज द डिवीजन कितना हिट फ्रेंचाइजी है। इस सीरीज के ऑलरेडी 2 गेम बन चुके हैं। बेसिकली ये एक थर्ड पर्सन शूटर गेम है, इधर हमें थोड़े बहुत स्टोरी मोड भी देखने को मिलता है। और इस गेम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ये गेम्स ना थोड़ा सा फ्यूचर बेस्ड होते हैं और इधर फ्यूचर बेस्ड इन द सेंस 5 या 10 साल आगे का स्टोरी बताते हैं, जहाँ पर काइंड ऑफ एक ह्यूज क्राइसिस होता है। सिचुएशंस लाइक पैंडेमिक, गवर्नमेंट का फॉल कर जाना या फिर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी खत्म हो जाना, तो उधर कुछ रायट्स होते, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज होते, सड़क पे लोग निकल के आते एक दूसरे को मार धाड़ करते, एक ग्रुप बन जाता है जो कि लूट करते हर किसी को और सिविलियंस को टॉर्चर करते। तो ऐसे में कुछ सीक्रेट एजेंट्स को इनिशिएट किया जाता है जो कि इन सबको रोकते, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते और लूट लोकेशंस पे रेड करते और इधर से सप्लाई कलेक्ट करके जो मेडिक कैंप्स है, जो कॉमन सिविलियंस है, उनको हेल्प करते। तो बेसिकली गेम में आप 4 दोस्तों के साथ कोऑप में खेल सकते हो। प्लेयर वर्सेस प्लेयर और प्लेयर वर्सेस एनिमी का सिस्टम इधर गेम में होता है। पीसी में जितने भी 2 गेम आए हैं उधर स्टोरी मोड भी है। स्टोरी मोड बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं होता है, मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया कि गेम का कॉन्सेप्ट क्या है। गेम थर्ड पर्सन में होता है, ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा ओपी है और गेम प्ले मैकेनिज्म, फिजिक्स वगैरह ये सब भी काफी ज्यादा मजेदार होता है। तो एनीवेज ये जो टॉम क्लैंसीज द डिवीजन का मोबाइल वर्जन है ये लॉन्च होगा 2022 को और इधर यूबीसॉफ्ट ने बेसिकली अपना एक पूरा रोड मैप ही दे दिया है कि कैसे वो लोग द डिवीजन फ्रेंचाइजी को आगे एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये है पूरा द डिवीजन का यूनिवर्स और इधर सबसे पहला जो गेम था वो है द डिवीजन, दूसरा जो गेम था वो है टॉम क्लैंसीज द डिवीजन 2, उसके बाद डिवीजन 2 का एक DLC आया था वाइल्डलॉर्ड्स ऑफ न्यूयॉर्क नाम से, एंड देन फाइनली आ जाता है एक और नया गेम डिवीजन फ्रेंचाइजी में जिसका नाम है द डिवीजन हार्टलैंड। अब ये गेम ना बेसिकली पीसी और कंसोल में लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में मैं वीडियो आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद इधर लिखा हुआ है द डिवीजन 2 न्यू कंटेंट एंड देन नीचे आ जाते हैं इधर लिखा है द डिवीजन मोबाइल। सो यस, द टॉम क्लैंसीज डिवीजन सीरीज फाइनली मोबाइल पे आ रहा है और डिवीजन मोबाइल के बाद यूबीसॉफ्ट तो कुछ अलग ही लेवल का मार्केटिंग करने वाला है। द डिवीजन का नोवेल आ रहा है, मतलब लिटरली एक किताब लिखा जाएगा द डिवीजन के ऊपर, और उसके बाद द डिवीजन का नेटफ्लिक्स फिल्म आ रहा है, मतलब इस गेम के ऊपर मूवीज भी बनेगी जिसका ऑलरेडी शूटिंग चल रहा है। नाउ अभी वापस आ जाते हैं द डिवीजन हार्टलैंड पे। तो बेसिकली ये है यूबीसॉफ्ट की तरफ से नया वाला डिवीजन गेम। अब मैं मोबाइल गेम को एक्सप्लेन ना करके इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये जो वर्ल्ड है ये कनेक्टेड है सेम डिवीजन यूनिवर्स से। ये जो पीसी गेम लॉन्च होने वाला है ये एक फ्री टू प्ले गेम होगा यूबीसॉफ्ट की तरफ से। सोचने वाली बात ये है कि यूबीसॉफ्ट जैसा बड़ा पब्लिशर फ्री में अपना गेम क्यों लॉन्च करेगा। अब डेफिनेटली वो लोग अपने गेम्स को काफी ज्यादा गिव अवेज करते, लेकिन अदर पॉइंट वो नहीं है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करें अदर डेवलपर्स या फिर पब्लिशर का, तो हम देख पाएंगे कि डेवलपर्स लाइक एक्टिविजन, इन्होंने फ्री में अपना बैटल रॉयल गेम वारजोन लॉन्च किया था। इवन डेवलपर्स लाइक EA, जो कि हमें पता है कि EA का मेन टारगेट जितना ज्यादा हो सके रेवेन्यू जनरेट करना होता है, तो EA ने भी एपेक्स लेजेंड्स को फ्री में लॉन्च किया और अभी एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल भी आ रहा है और हम एपेक्स लेजेंड्स का सक्सेस देख चुके हैं, वारजोन का भी सक्सेस देख चुके हैं। और इधर एक्चुअली यूबीसॉफ्ट की तरफ से जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उधर मेंशन है कि ये गेम स्टैंड अलोन गेम होगा, मतलब डिवीजन 1 और डिवीजन 2 के स्टोरी से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, बस सेम यूनिवर्स में गेम होगा। और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यूबीसॉफ्ट भी पर्टिकुलरली इस पीसी या कंसोल गेम को फ्री में ला रहा है और उसके बाद ही डिवीजन का मोबाइल वर्जन ला रहा है, और कोई भी पब्लिशर अगर एक AAA गेम बनाता है तो फ्री में ऐसे ही गेम नहीं लॉन्च कराएगा अनटिल और अनलेस वो गेम बैटल रॉयल। तो अभी मैं पूरा गेस कर रहा हूँ कि ये जो नया डिवीजन का पीसी गेम आ रहा है ये भी बैटल रॉयल होगा और जो डिवीजन का मोबाइल वर्जन आ रहा है उधर भी हमें बैटल रॉयल मोड देखने को मिलेगा। मतलब हर गेम पे बैटल रॉयल चिपकाना जरूरी है क्या, तुम लोग बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे। एनीवेज गाइस, अभी तो फिलहाल के लिए बस इतना ही न्यूज है कि टॉम क्लैंसीज द डिवीजन का मोबाइल वर्जन आ रहा है और इसका एक नया पीसी गेम आ रहा है जो कि होगा फ्री टू प्ले। और अभी ईयर के एंड में जाके यूबीसॉफ्ट इस गेम के रिगार्डिंग और भी ज्यादा कंटेंट और भी ज्यादा डिटेल्स हमें बताएंगे और गेम का रिलीज ईयर ऑलरेडी बता दिया गया है दोनों ही गेम का कि 2022 को ये गेम लॉन्च होगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। मतलब अभी हर एक पीसी या फिर कंसोल गेम डेवलप करने वाले पब्लिशिंग कंपनी मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में आ रहे और इतना ज्यादा गेम के वैरायटीज अभी हमें आगे जाके देखने को मिलने वाले।
तो ये चीज काफी अच्छा भी है एंड एट द सेम टाइम भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है कि क्या खेले क्या ना खेले। ये सारे ही गेम्स पीसी में काफी ज्यादा फेमस है, बहुत ही हिट फ्रेंचाइजी है इन सब की। और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही हफ्ते के अंदर तीन बड़े बड़े गेम के अनाउंसमेंट देखने को मिले। और अगर तुम पबजी मोबाइल इंडिया को पकड़ रहे हो ना तो चार काउंट कर सकते हो। सो एनीवेज गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ये जो नया गेम आ रहा है इसको बैटल रॉयल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब सीरियसली भाई, एक और बैटल रॉयल, हर किसी को इतना क्या ऑब्सेशन है बैटल रॉयल से। वैसे अभी तक ना ये कंफर्म न्यूज नहीं है, मैं काइंड ऑफ अपना ही एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ मुझे बताओगे क्या तुमने पीसी में डिवीजन का कोई भी गेम खेला है या नहीं। और चलो गाइस, यही था इस वीडियो में, काफी शॉर्ट वीडियो था, वैसे एक्सप्लेन करने जैसा बहुत कुछ तो था नहीं जब तक कुछ ऑफिशियल डेटा और नहीं आता। सो एनीवेज गाइस, मिलता है अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए सी अप एंड पीस आउट।